राजधानी में एक बार फिर से अवैध रूप से बजरी से भरे डंपर चालक ने कहर बरपाने की यहां पर कोशिश की है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने डंपर चालक को दबोच लिया। दरअसल न्यू सांगरा रोड से अवैध बजरी के साथ भरा एक डंपर तेज स्पीड में आ रहा था और जैसे ही महेश नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली तो टीम उसे पकड़ने के लिए निकल गई, लेकिन पुलिस की गाड़ी को देखकर डंपर चालक ने और तेज स्पीड में ट्रक को दौड़ाना शुरू कर दिया। तेज स्पीड में होने के कारण कई वाहन डंपर चालक की चपेट में आने से बाल बाल बच गए और आखिरकार महेश नगर थाना पुलिस ने गुर्जर की थड़ी चौराहे पर अवैध बजरी से भरे हुए डंपर को पकड़कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले में गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी वाहन चपेट में नहीं आया। फिलहाल खनन विभाग की टीम ने डंपर चालक पर अवैध रूप से बजरी लाने पर जुर्माना किया है। हमारी चेतक और सिग्मा इलाके में घूमती रहती है और हमने कई बार देखा है कि डंपर, छोटे मोटे ट्रैक्टर, पत्थर, मकानों का काम चलता रहता है, लेकिन ये पुलिस को देख करके बजरी वाले ट्रक कई बार दौड़ते हैं और पुलिस जब पीछा करती है और स्पीड कर लेते हैं। अभी एक दो दिन पहले ही हमने इस तरह का एक डंपर हमारी पुलिस द्वारा देखा गया। वो इतनी भयंकर तेज स्पीड में जा रहा था, उसको किसी तरह का वो रास्ते का आने जाने वालों का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसको ये डाउट था कि पुलिस इसको पकड़ेगी, लेकिन वो लोगों की जान माल को भी ध्यान में नहीं रखा और अपने मुकाम तक पहुंचने की कोशिश की। हमारे स्टाफ ने बड़ी तरतीब से और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत इसको मौके से पकड़ करके थाने ले आए और जो हादसा होने वाला था उस पर एक तरह से ब्रेक लगाया।